आपने बहुत लोगों से सुना होगा ना कि सीटेट इस बार होगा या नहीं होगा, या सीटेट जुलाई में होगा या नहीं होगा, सीटेट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, या सीटेट के बारे में जो भी आप फाइनल स्टेटस जानना चाहते हो आपने 10 लोगों से बातें सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी फिलहाल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सीटेट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक है। तो उन लॉजिक का आधार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, कितने लोग मुझसे एग्री नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि सीटेट अभी होगा या नहीं, तो सबसे पहले मैं लॉजिक दूंगा कि सीटेट इस बार जुलाई में क्यों नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्या है इसके पीछे। आप लोग एक बात बताइए, क्या आज तक के इतिहास में जो सीटेट है वो कभी भी मार्च में हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मार्च में किसके एग्ज़ाम होते हैं? CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। फरवरी के एंड के आसपास से शुरू हो जाते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम होना, और उसके बाद जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली मार्च के एंड तक खिंच जाते हैं। इस समय के अंतराल में आपको कभी भी सीटेट देखने को नहीं मिला होगा, कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। तो अब आप एक बात को समझिए कि लॉकडाउन की वजह से, COVID-19 की वजह से ये जो कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो थे वो डिले कर दिए गए थे, उनकी जो टाइम, जो डेटशीट उनकी निकाली गई है वो क्या निकाली गई है? जुलाई का फर्स्ट और सेकंड वीक। अब अगर फर्स्ट और सेकंड वीक में बोर्ड के एग्ज़ाम होना तय है, तो आप ये बताइए कि जो आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो पाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम एक साथ हो जाए। हालांकि इन दोनों में क्या है कि जो वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे, इसमें होता है आपका CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम, लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो हमेशा नॉन वर्किंग डे पे होता है, जो क्या होता है? संडे। हालांकि ये डिफरेंस है, लेकिन फिर भी बोर्ड, किसी भी एग्ज़ाम को होने के लिए बोर्ड को अपनी तैयारियाँ करनी होती हैं। अच्छा मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम होता भी है तो क्या दिक्कतें आने वाली हैं? अगर ये एग्ज़ाम होता भी है, जब सारा ध्यान, सारा अटेंशन सीटेट पर ही होता है, तब भी कई बार आपने अफवाहें सुनी होंगी कि सीटेट लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। इस बार तो जो भी ध्यान है वो सारा का सारा CBSE बोर्ड एग्जाम पर होगा, तो ऐसे में अगर सीटेट को बीच में लाया गया तो क्या इसके लीक होने के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे? तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। बोर्ड एग्जाम सेम टेन्योर के बीच में, सेम ड्यूरेशन के बीच में होने की वजह से हो सकता है कि सीटेट को हल्का सा डिले किया जाए। लेकिन एक और रीज़न भी है कि सीटेट टाइम पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है COVID-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गई है, और गड़बड़ा जाने की वजह से अब क्या होगा, अब सीटेट को जल्दी से जल्दी कराया जाएगा ताकि बहुत जल्दी वैकेंसीज निकाली जाएं। वैकेंसी क्यों निकाली जानी ज़रूरी है? वैकेंसी आएंगी तो एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन आएंगी तो एप्लीकेशन फ़ीस आएगी, एप्लीकेशन फ़ीस अगर आएगी तो टीचर्स के लिए क्या हो पाएगा? बजट बन पाएगा, किसी बोर्ड के लिए बजट बन पाएगा, सैलरीज निकल पाएंगी, बाकी जो मेंटेनेंस का काम होता है वो हो पाएगा, जो किसी भी चीज़ को कंडक्ट कराने का जो बजट होता है वो अलॉट हो पाएगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम का 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक में होना, रीज़न है कि सीटेट टाइम पर ना हो पाए। और दूसरा रीज़न क्या है कि ठीक है ये टाइम पर हो सकता है क्योंकि एक जो एग्ज़ाम है वो वर्किंग डेज में हो रहा है, दूसरा एग्ज़ाम जो है वो नॉन वर्किंग डे में हो रहा है। अच्छा इसके अलावा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिपीट कर देता हूँ कि सबकी सैलरी, सबका बजट अलॉट करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सीटेट को जितना जल्दी हो सकेगा उतना करेंगे। अगर ये पोस्टपोन्ड भी हुआ तो मुश्किल से एक आध महीने के लिए हो पाएगा, ज़्यादा पोस्टपोन्ड बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही ये पोस्टपोन होगा, सेम चीज़ एक किस्सा बना था अभी कुछ टाइम पहले, जो दिल्ली में कुछ हिंसा हुई थी, यूपी में कुछ हिंसा हुई थी, इन चीज़ों को लेकर यूपी टेट पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तो उसके लिए भी आपने देखा होगा कि कुछ खास ज़्यादा उतना समय नहीं लगा था, तो वो भी चीज़ आपको याद होगी। तो इसी के साथ भाई सिर्फ आपको यही सोचना है कि इनमें से कौन सा लॉजिक ज़्यादा काम करेगा, टाइम पे कराने वाला लॉजिक ज़्यादा कारगर है या हल्का फुल्का डिले करने वाला लॉजिक ज़्यादा काम वाला है। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि लीक होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर सेम टाइम पर एग्ज़ाम करवाया गया तो।
अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सा लॉजिक ज़्यादा काम का है और एग्ज़ाम टाइम पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।